नमस्कार दोस्तों, जीविका गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में समूह के ऋण पुस्तिका से संबंधित अधिशेष ओवरड्यू के बारे में बतलाने जा रहा हूं, ताकि हम लोग ऋण पुस्तिका को आसानी से समझ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। यदि अधिशेष को जान गए तो ऋण पुस्तिका को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अधिशेष मांग मूलधन में से ऋण की वापसी को घटाने या जोड़ने पर अधिशेष प्राप्त होता है। अधिशेष मांग मूलधन में से ऋण वापसी को जोड़ने अथवा घटाने से अधिशेष प्राप्त होता है। मांग मूलधन में से ऋण वापसी को जोड़ने अथवा घटाने से अधिशेष प्राप्त होते हैं। अधिशेष बराबर मांग मूलधन जोड़ ऋण वापसी। फिर अधिशेष बराबर मांग मूलधन घटा ऋण वापसी। अधिशेष निकालने के लिए हमें इन दोनों को यानी कि जोड़ का भी आवश्यकता पड़ सकता है और घटा का भी आवश्यकता पड़ सकता है। इसको समझाने के लिए हमने ये नियम बनाया या फार्मूला दिया। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। इसी चीज़ को समझने के लिए कि कब हमें मांग मूलधन और ऋण वापसी को जोड़ना है और कब हमें मांग मूलधन और ऋण वापसी को घटाना है, इस चीज को समझते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण दे करके अधिशेष के बारे में बतलाने जा रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति संस्था को हमने 20,000 रुपया ऋण दिया या किसी समूह को दिया या किसी सदस्य को दिया, तो सबसे पहले हम लोग इसका वापसी नियोजन बनाते हैं। तो वापसी नियोजन जो बना वो 2,000 का बना है कि प्रत्येक माह 2,000 रुपया वापस करेगी। तो जनवरी माह में 2,000, फरवरी माह में 2,000, मार्च में 2,000, अप्रैल माह में 2,000, मई में 2,000, जून में 2,000, जुलाई में 2,000, अगस्त में 2,000, सितंबर में 2,000 और अक्टूबर में 2,000। इस तरह से वापसी नियोजन तैयार किया गया। तो पहले यानी कि जनवरी माह में सदस्य से 2,000 रुपये का मांग किया गया। किंतु सदस्य द्वारा ऋण की जो वापसी की गई वो 1,000 रुपया किया गया। तो यहां हम देख रहे हैं कि मांग किया गया था 2,000
और वापस हुआ है कितना, तो 1000 रुपया। तो अधिशेष यहाँ पे 1000 रुपये अधिशेष और बकाया ऋण जो है 19000 रुपये हो गए। अब फरवरी माह में जो मांग होगा तो वो 3000 का बनेगा। तो कैसे 3000 का बनेगा, इस चीज को ध्यान से समझते हैं। इनका 2000 रुपया मांग है पहले का ही, किंतु यहाँ पे अधिशेष निकल करके आया है 1000 रुपया। तो इस 1000 रुपये को इस 2000 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे मांग हो गया 3000 रुपये का। इस 1000 रुपये को, यही जो 2000 है उसमें अधिशेष 1000 को जोड़ के मांग कितना हो गया 3000। फिर ऋण वापसी में सदस्य द्वारा 3000 रुपया मांगा गया तो उन्होंने मात्र 500 रुपया दिया। अब उनके पास जो अधिशेष राशि हो गई वो कितना हो जाएगा, 2500 रुपया। ये तीन हजार रुपया मांग किया गया किंतु वो दिया कितना, तो मात्र 500 रुपया। तो जो बच गया वो अधिशेष में आ गया और बकाया ऋण कितना हो जाएगा, तो 19000 रुपये में से 500 रुपये घटा देंगे तो 18500 रुपये। अब यहाँ देखिए इस चीज को एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे समझने के लिए, यहाँ भी प्लस का निशान लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मांग मूलधन में इसे जोड़ना है। इस प्लस का जो निशान है इसका मतलब ये हुआ कि मांग मूलधन में इसे जोड़ना है, यानी कि मांग जो करेंगे अधिशेष को जोड़ करके मांग करेंगे। और फिर मार्च माह में सदस्य से पहले से इसका बना हुआ है मांग 2000 रुपया और इसका जो अधिशेष राशि है वो है 2500 रुपया। तो कुल यहाँ पे कितना हो गया, 4500 रुपया। तो मांग कितना बन गया, 4500 रुपया। 4500 जब ऋण वापसी के लिए 4500 सदस्य को देने के लिए कहा गया तो मात्र सदस्य द्वारा 1000 रुपये ही वापस किया गया। अब जो अधिशेष की राशि होगी वो 3500 रुपये होगी, बकाया ऋण 17500 रुपया। उसी तरह अप्रैल माह में वापसी नियोजन 2000 का था और मांग पहले से 2000 था और इसका जो अधिशेष था वो 3500 रुपया जो अप्रैल माह में जुड़ गया, यानी कि 2000 और 3500 यानी कि कुल 5500 रुपया। सदस्य द्वारा 1000 रुपया ऋण वापसी किया गया तब अधिशेष बचा 4500 रुपया और बकाया ऋण 16500 रुपया। ये जो अधिशेष 4500 रुपया है वो मांग जो 5500 रुपया है उसमें से 1000 रुपया घटाने के बाद अधिशेष 4500। उसी तरह मई माह में वापसी नियोजन 2000 रुपया और मांग पहले से 2000 प्लस अधिशेष बराबर 6500 रुपया। ये जो अधिशेष है यानी कि अधिशेष को मांग में जोड़ने के बाद फिर एक नया मांग 6500 का हो गया जो हमें ये सदस्य से
लेना होता है, किंतु सदस्य द्वारा ऋण वापसी नहीं किया गया तो फिर अधिशेष 6,500 रुपया ही रह गया और 16,500 रुपया बकाया ऋण है। उसके बाद जून माह में 2,000 रुपया का वापसी नियोजन है, फिर 2,000 पहले से प्लस अधिशेष की जो राशि 6,500 रुपया, ये 6,500 रुपया है वो मांग मूलधन में जुड़ करके 8,500 रुपया हुआ, जिसमें ऋण वापसी 1,000 रुपया ही किया गया। अब अधिशेष 7,500 रुपया है, ये 7,500 किस प्रकार से आया इसे भी फिर से समझ लेते हैं। ये जो मांग 8,500 रुपया है उसमें से 1,000 रुपया घटाने के बाद 7,500 रुपया अधिशेष आया और बकाया ऋण 15,500 रुपया। उसके बाद जुलाई माह में वापसी नियोजन 2,000 का था, मांग यहाँ पहले का 2,000 था, उसके बाद अधिशेष, ये अधिशेष 7,500 रुपया है, यहाँ पे 7,500 रुपया इसमें जोड़ दिया गया तो ये 9,500 रुपया मांग, जिसमें सदस्य द्वारा 10,000 रुपया दिया गया। फिर यहाँ अधिशेष माइनस पाँच सौ रुपया रह गया और बकाया ऋण 5,500 रुपया भी, 5,500 रुपया। अब ये जो 500 रुपया कैसे आया, चूंकि सदस्य को वापस करना था, ऋण वापस करना था 9,500 रुपया, किंतु सदस्य द्वारा 10,000 रुपया वापस किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं 500 रुपया अधिक वापस किया गया, तो ये दोनों को घटाने के बाद यहाँ पे 500 रुपया आया। इस चीज को हम माइनस के चिन्ह से दिखा रहे हैं। अगस्त माह में मांग 2,000 का, अगस्त माह में वापसी नियोजन 2,000 का, मांग मूलधन 2,000 और ये 500 रुपया। तो यहाँ देखिए जो 2,000 मांग था तो 500 रुपया वो अगले महीना ही अग्रिम दे दिया, तो फिर 2,000 में से ये 500 रुपया घटाने के बाद यहाँ पे मांग जो है 1,500 रुपये का हो गया। फिर सदस्य द्वारा क्या किया गया कि वो 2,000 रुपया वापस किया, यानी कि फिर मेरा मांग था और वो वापस कर दिया 2,000 रुपया, तो माइनस 500 रुपया, यानी कि माइनस 500 रुपया यहाँ पे अधिक वापस सदस्य द्वारा कर दिया गया, तो अधिशेष में 500 रुपया माइनस के साथ रहेगा। फिर सितंबर माह में 2,000 रुपया का वापसी नियोजन था, मांग 2,000 रुपया और सदस्य द्वारा 500 रुपया ज्यादा दिया गया था, तो इस बार का मांग में वो 500 रुपया क्या करेंगे तो घटा देंगे। घटाने के बाद फिर यहाँ मांग कितना हो गया 1,500 रुपया, फिर ऋण वापसी सदस्य द्वारा 1,500 रुपया कर दिया गया, कोई अधिशेष नहीं है और बकाया ऋण 2,000 रुपया। फिर अक्टूबर माह में वापसी नियोजन 2,000 का था, मांग 2,000 का था, ऋण वापसी सदस्य द्वारा 2,000 कर दिया गया, कोई अधिशेष नहीं है और बकाया ऋण भी नहीं है। इसी तरह हम लोग अधिशेष लिखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मांग में हमने 2,000 प्लस 100, फिर 2,000 प्लस 2,500 इस तरह से बनाया है। इसका एकमात्र उद्देश्य था समझाने के लिए, लेकिन जब हम ऋण पुस्तिका भरेंगे तो हमें इस तरह से ये नहीं लिखना है, मात्र 2,000, 3,000, 4,500, 5,500 इस तरह करके लिखना होता है। तो इसी तरह से हम लोग अधिशेष निकालते हैं और इसी का एक
स्लाइड पीछे जो इसके बाद आएगा उसमें ये सारा चीज स्पष्ट से दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ मांग में किसी भी तरह का जोर वगैरह नहीं दिया जाता है, वो है समझाने के लिए उसमें बतलाया गया था इस तरह से, तो हमें एक्चुअली इस तरह से बनाना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिशेष को बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।